हेलो एवरीवन वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटीज यूट्यूब चैनल कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा नाम है प्रांजल सिंह एंड आई एम एंड फैकल्टी ऑफ लॉ इन दी कंपटीशन कम्युनिटी और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और वीडियो लेक्चर आज का हमारा वीडियो लेक्चर किसी पर्टिकुलर लॉ के टॉपिक को डील नहीं करेगा आज हम बात करेंगे जियो के बारे में जियो के बारे में क्यों क्योंकि इस वक्त दो कंट्रीज़ एक ऐसा जियो क्राइसिस फेस कर रही हैं जिसने लगभग दोनों कंट्रीज़ के डिप्लोमैट्स की नींद उड़ा के रखी हुई है एक ऐसा क्राइसिस जो इस वक्त ऑलमोस्ट हर न्यूज़ चैनल की हेडलाइन बना हुआ है और पिछले कुछ दिनों से बना हुआ है एक ऐसा क्राइसिस जिसने दो कंट्रीज़ के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया और एक ऐसा क्राइसिस जिसने लगभग दुनिया की हर बड़ी डेमोक्रेसी की नज़र इस क्राइसिस पे डलवा दी है कि आगे इसमें क्या डेवलपमेंट होंगे जिससे वो आगे क्या स्टैंड ले और एक ऐसा क्राइसिस जो आगे शेप करेगा बहुत सारी कंट्रीज़ के डिप्लोमेटिक रिलेशन को मैं बात कर रहा हूँ इंडिया कैनेडा पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में और पहला सवाल हम यहीं से उठाते हैं कि शब्द पॉलिटिकल क्राइसिस क्यों यानी कि आपने बहुत सारे न्यूज़ में सुना होगा क्राइसिस वर्ड का यूज़ हुआ कंट्रोवर्सी का यूज़ हुआ इशू का यूज़ हुआ मैं यहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका एक रीज़न है जब हम आगे इस वीडियो लेक्चर में बढ़ेंगे जब हम इस पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस को समझेंगे जब हम इस क्राइसिस और इस इशू को अच्छे से समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ये जो स्टेज पे हम आज खड़े हैं ये जो बहुत सारे मल्टीपल इवेंट्स हुए बीते कुछ हफ्तों में या बीते कुछ दिनों में मैं कहूँगा वो बहुत इजीली अवॉइड करे जा सकते थे अगर पॉलिटिकल डिफरेंसेस नहीं होते इन दो कंट्रीज के बीच में और इतनी खराब सिचुएस शायद ना आती तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो लेक्चर में। में। आज हम डील करेंगे इंडिया पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे ठीक है सर। तो तो सबसे पहले तो यही जान लेना बहुत जरूरी है कि मैं ये वीडियो लेक्चर लेके आया क्यों क्यों जरूरत पड़ी इस वीडियो लेक्चर को लाने के लिए और ऐसी कौन सी रिसेंट डेवलपमेंट हो गई जिसके कारण मुझे यहां आपके सामने इस वीडियो को बनाने के लिए खड़ा होना पड़ा वो है बैकग्राउंड में हम समझेंगे कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो कि हैं जस्टिन टूडो जिनकी फोटो यहाँ पे लगी हुई है इनको आप अच्छे से पहचान लीजिए बहुत रेलिवेंस रहने वाला है आगे की वीडियो में इनका कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन टूडो मंडे को यानी कि बीते मंडे को यानी कि बीते चार पांच दिन पहले क्लेम किया उन्होंने कि जो इंडियन गवर्नमेंट है ये शब्द को ध्यान रखिएगा इंडियन गवर्नमेंट किसी प्राइम मिनिस्टर ने क्लेम किया कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो क्या है हरदीप सिंह निज्जर जिनकी डेथ हो गई यानी जिनको गोली मार दी गई जिनकी जिनका मर्डर हुआ उसकी किलिंग के पीछे है ये क्या कह रहा चाह रहा है सर तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने मंडे को अपने पार्लियामेंट में जाके ऐसा क्लेम किया कि इंडियन गवर्नमेंट जो है जो हरदीप सिंह निज्जर की मर्डर हुआ उसमें इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है इंडियन एजेंट्स का हाथ है और उन्होंने ये मर्डर को करवाया है और हरदीप सिंह निज्जर कौन थे खालिस्तानी टाइगर फोर्स के वो हेड थे यानी उस पर्टिकुलर ग्रुप है वहाँ का उसको हेड कर रहे थे ठीक है सर ये बात हम समझ गए लेकिन इसको फर्स्ट इंस्टेंस पे जरा अपने जजमेंटल दिमाग से जज करने की कोशिश कीजिए कि ये इवेंट कैसा है आपने क्या कभी पीछे बीते कुछ समय में पिछले कुछ पास टाइम्स में ऐसा नोटिस किया है कि, कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने जाके हमारी कंट्री के भी प्राइम मिनिस्टर ने हमारी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है ऐसा कभी हुआ कि पार्लियामेंट में जाके किसी और गवर्नमेंट के ऊपर सीधा क्वेश्चन उठाया हो सीधा क्लेम किया हो कि इन्होंने हमारी कंट्री में हुए किसी मिस हैपनिंग की वजह यही है और इस कंट्री के एजेंट्स और इस गवर्नमेंट का हाथ है यहाँ पे अपने आप में ये एक बहुत बड़ा स्टेप है बहुत एक्सट्रीम स्टेप है जियोपॉलिटिक्स में इसको बहुत बड़ा स्टेप माना जाता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एंड कर देने वाला स्टेप होगा ये अगर आप किसी आदमी को फर्स्ट इंस्टेंस पे बताएंगे बिना इस केस का रेफरेंस दिए तो ये बैकग्राउंड था ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद जो है एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस की शुरुआत हुई एक बहुत बड़े इंटरनेशनल क्राइसिस की शुरुआत हुई आगे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले जो दो चेहरे जिनके बारे में आपको जान लेना जरूरी है जिनके बारे में आप ऑलरेडी जानते भी होंगे लेकिन फिर भी रेफरेंस के लिए बता देना जरूरी है उनको जान लेते हैं पहले तो है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जिनको हम सब जानते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कि दो में इलेक्ट हुए और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने और दो 19 में भी 2019 में भी उन्होंने अपनी सीट को रिटेन किया और उन्होंने दोबारा प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को होल्ड किया जो अलग अलग गवर्नमेंट्स फॉर्म होती है कंट्री में उन हर एक गवर्नमेंट का अपना एक अलग एजेंडा होता है अपना एक अलग प्लानिंग होती है किसी पर्टिकुलर एरिया या स्पेसिफिक एरिया में मूव करने की या किस तरह से वो ऑपरेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी को ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव रहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में भी और डिफेंस में भी और इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं और दूसरी पार्टी यहाँ पे कौन है दूसरी पार्टी है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जस्टिन टूडो ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी बने थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और 2015 में जस्टिन टूडो बने थे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में तो हम सब जानते हैं ट्रूडो जी के बारे में जरा समझने की कुछ कोशिश करते हैं कि ट्रूडो जी कौन है तो ट्रूडो जी जो है अगर इनके बारे में कुछ जानने लायक है, चीज़ें हैं तो वो जो आपको जान लेनी चाहिए बैकग्राउंड के लिए वो ये है कि ये फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन नहीं है इनके फादर खुद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं मल्टीपल टाइम्स एलेक्ट हुए थे एज अ कनेडियन प्राइम मिनिस्टर इसके साथ ही साथ जब ट्रूडो जी के बारे में एक और ओपिनियन अगर आपको बनाने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो ये है कि फिलहाल इनकी जो रेपुटेशन है कंट्री में वो थोड़ी सी डगमगाई हुई है लोगों की रेटिंग कभी 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 अच्छी मिल जाती है कभी कभी बहुत भी खराब मिल रही है तो ऐसा कुछ इशू इनके साथ चल रहा है स्टार्टिंग में इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट होकर आए थे आ, लेकिन उसके बाद इनकी वर्किंग पे इनकी कुछ पॉलिसीज़ पे मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन उठाए जाने लगे इनकी लग्जरी लाइफ और इनके अपनिंग्स को इनके डिसीजंस को इनकी पॉलिसीज को आ, अब जो है वहाँ के सिटीजन्स और गवर्नमेंट्स बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने लगे हैं तो इनकी खुद की भी जो स्टेबिलिटी है इस वक्त कैनेडा में बहुत अच्छी नहीं है ये कॉन्क्रीट तरीके से नहीं कहा जा सकता कि अगला जो इलेक्शन होने जा रहा है उसको ये मेजोरिटी के साथ जीत भी पाएंगे या नहीं तो ये जो दो पार्टीज हैं इनका ध्यान आप ध्यान में रखिएगा इनका तो बहुत ही ज़्यादा रखिएगा क्योंकि जो शुरुआत हुई है इस क्राइसिस की वो यहीं से हुई है पहले बीज यहीं से बोए गए खैर तो जरा इंडिया कैनेडा रिलेशन को जानने की और समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया कैनेडा रिलेशन शेयर कर कैसे रहे थे जो अब इतने खराब हो गए तो ये ईयर देखिए 1947 यानी जिस ईयर हम आजाद हुए थे उसी साल से डिप्लोमैटिक कनेक्शन है हमारा कैनेडा के साथ यानी कि हमारे आजादी के समय से ही हमारा एक अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशन हम शेयर कर रहे हैं कैनेडा के साथ ठीक है सर बाईलैटरल है यानी कि बाईलैटर शब्द का मतलब क्या है जिसमें दो पार्टीज हो यानी कि इंडिया और कनाडा का इंडिविजुअल बाईलैटर कनेक्शन है डिप्लोमेटिक रिलेशन है और ये रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है या अब इस शब्द को कहेंगे था यानी कि पहले जो था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था अब वो कुछ सालों से शोर होता जा रहा था और अब तो बहुत ही खराब कंडीशन में इस वक्त इसको कई न्यूज चैनल क्लेम कर रहे हैं ऑल टाइम लोएस्ट ठीक है सर तो 1947 से हम एक डिप्लोमेटिक कनेक्शन ले रहे हैं डिप्लोमेटिक कनेक्शन शेयर कर रहे हैं कनाडा के साथ में और उसके साथ क्या एक बायलैटरल कनेक्शन है हमारा इंडिया और कनाडा का ठीक है सर एग्रीमेंट्स की बात करें तो हम मल्टीपल एग्रीमेंट्स शेयर करते हैं कनाडा के साथ यहां जैसे कुछ लिखे हुए हैं जैसे कि एयर सर्विसेज एग्रीमेंट्स एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की ट्रीटी है एग्रीमेंट ऑन पेटेंट्स है इसके साथ ही साथ मल्टीपल मल्टीपल डायमेंशन में हम शेयर कर रहे हैं कैनेडा के साथ क्या रिलेशन को एग्रीमेंट्स को ट्रीटीज़ को तो हमारा और इंडिया और कनाडा का जो रिलेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है अपने टाइम पे लेकिन इस वक्त वो ऑल टाइम लोवे को टच कर रहा है इसके अलावा और कुछ जानने जान लेने लायक चीज़ें है क्या हैं कनाडा का एक बहुत बड़ा एजुकेशन सेक्टर जो है ना वो चलता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है यानी कि जो फॉरन के स्टूडेंट्स जो हैं वो आते हैं और उस कंट्री में पढ़ते हैं जैसे कि इंडिया की बहुत ज़्यादा बड़ी मेजोरिटी पॉपुलेशन स्टूडेंट्स की जो है वो जाती है कैनेडा में पढ़ाई करने के लिए नंबर्स में अगर मैं बात करूँ तो ये नंबर है फोर्टी का यानी कि फोर्टी परसेंट जो है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है कनाडा में वो असल में इंडियंस हैं और कनाडा का एक रूल आपको बताता हूं बड़ा इंटरेस्टिंग वो ये है कि कनाडा में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनकी फीस से मल्टीप्लाई बाय थ्री यानी कि थ्री टाइम्स फीस हायर होती है फॉरेन स्टूडेंट्स की यानी कि उनका जो फॉरेन रेवेन्यू है वो केवल स्टूडेंट स्टूडेंट से इंडियन स्टूडेंट से ही इतना ज्यादा आ जाता है कि मैं आपको क्या बताऊं उसके साथ ही साथ जो इंडियन पॉपुलेशन है कनाडा में वो भी बहुत ही ज्यादा है वो हम आगे इस वीडियो में डील करेंगे तो खैर अभी अगर हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना है तो हमें तीन चीजें समझनी है कि 1947 से इंडिया कनाडा बायलैटरल रिलेशन में है और हमने मल्टीपल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स को साइन कर रखा है किसके साथ कनेडा के साथ बायलैटरल का मतलब यही होता है बायलैटरल मीटिंग जब होती है तो दो कंट्री के हेड जो है ऐसे आमने सामने बैठते हैं और बातचीत करते हैं ये फोटो रिसेंटली जी की है जो इंडिया में हुई थी जिसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे ठीक है सर अब जो मेन पार्टी है यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और जस्टिन टूडो के अलावा जो जिन्होंने एक्चुअल में जिनके एलिगेशन्स uh, के बेस पे यानी कि जिनके मर्डर के एलिगेशन के बेस पे इंडियन गवर्नमेंट को टारगेट किया गया उनके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं तो ये है हरदीप सिंह निज्जर जो कि इंडिया में एक डिक्लेयर टेररिस्ट है खालिस्तानी टेररिस्ट है इनके बारे में जरा देखते हैं क्या बोल रहे हैं तो निज्जर जी जो है वो है डिकलेर्ड टेररिस्ट उनको फैटली अटैक किया गया इसका मतलब दो गनमैन जो थे मास्क थे वो अपने गुरुद्वारा से बाहर आ रहे थे ट्रक में बैठ रहे थे तो दो इंडिविजुअल्स दो इंडिविजुअल्स जिसको हमें नहीं पता कि वो कौन से जगह से बिलोंग करते हैं वो कौन थे उनका मास्क कवर्ड था वो पूरे मास्क कवर्ड थे उन्होंने आके इनके ऊपर फायरिंग करी मल्टीपल राउंड्स फायर किए और ऑन द स्पॉट इनकी डेथ हो गई ये इवेंट कब का है सर जून उन्नीस का यानी कि कुछ महीने इस बात को बीत चुके हैं ये चीज़ हुई कब कैनेडा के टाइम के हिसाब से रात को साढ़े बजे हुई वो कहाँ से निकल रहे थे गुरु नानक सिंह गुरुद्वारा जी से निकल रहे थे गुरु नानक सिख गुरुद्वारा कहाँ पे था ये सरे में था ठीक है इसके बारे में अभी आगे हम पढ़ते हैं ये कहाँ पे है वैंकूवर में है वैंकूवर सिटी का नाम तो आप सबने सुन रखा होगा इतनी सारी अवार्ड सेरेमनीज हुई हैं वहां पे खैर तो ये जो है हरदीप सिंह नज्जर जी इनका मर्डर होता है मर्डर कोई दो अज्ञात लोग आके गोली मार के कर देते हैं और उसके बाद से एक डिबेट शुरू होती है क्लेम शुरू होते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं भाई बहुत सारे ऑफिस बोलते हैं कि इंडिया कहां इंडिया रिजेक्ट करता है और बहुत सारी चीजें प्रॉपर चीज में होने लग जाती है इसी मर्डर को कोर्ट किया था प्राइम मिनिस्टर टूडो ने पार्लियामेंट में इनके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड भी ले लेते हैं तो ये कहां से हैं ये हैं असल में इंडिया से ही जलंधर डिस्ट्रिक्ट से हैं ठीक है सर और क्या है इनके बारे में जानने लायक 1997 में ये कनाडा मूव कर गए थे कनाडा मूव करने के बाद इन्होंने काई की जॉब करी इन्होंने जॉब करी प्लंबर की प्लंबर बने थे ये वहां जाके पहले एज अ प्लम्बिंग की जॉब कर रहे थे उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी है जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि इन्होंने कैनेडियन सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए मल्टीपल अटेम्प्टे इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इन्होंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया कैनेडियन सिटीजनशिप के लिए लेकिन वो कैंसिल हो गई उसके बाद उन्होंने किसी दूसरी ऑरिजन की लड़की से शादी किया ये बताने के लिए कि ताकि मुझे कैनेडियन सिटीजनशिप मिल जाए तब भी रिजेक्ट हो गई उसके बाद फिर कुछ मल्टीपल इवेंट्स हुए जिसके बाद इनको कनेडियन सिटीजनशिप मिली जो आज भी बहुत बुरी तरह स्पेकुलेटेड है इन क्वेश्चन है जिसमें कनेडियन अथॉरिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन उठाया जाता है तो खैर वो सब बात की बातें हैं तो इनको कैनेडियन सिटीजनशिप मिल गई थी तो ये उसके बाद इवेंचुअली ये क्या बन गया प्रेसिडेंट बन गए कौन से गुरुद्वारे के गुरु नानक सिख गुरुद्वारा इन सरे अब ये क्या है सर ये देखिए जिस गुरुद्वारे के बाहर इनको मारा गया ये उसी गुरुद्वारे के प्रेसिडेंट थे वहां पे प्रेयर्स ऑफर करके शायद आ रहे थे और वहां से इनको मारा गया वहीं पे इनको मारा गया अब इस एजेंसी को तो हम सब जानते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सितंबर 2020 में हरदीप सिंह निज्जर को एज अ टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था किसके अंडर में यूएपीए के अंडर में यूएपीए क्या है वो सारे लॉ स्टूडेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन करके जल्दी बताओ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट नाइनटीन के अंतर्गत इन्होंने एनआईए uh, ने हरदीप सिंह निज्जर को एज अ टेररिस्ट डिक्लेयर किया और उसके साथ ही साथ उनके ऊपर इनाम रखा कितने का दस लाख रुपए का दस लाख रुपए का इनाम इनके ऊपर रखा गया और इनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया और ये इवेंट कब का है दो हजार बीस का है ठीक है सर तो ये हरदीप सिंह निज्जर थे जिनका मर्डर हुआ और जिसको लेकर जस्टिन टूडो ने इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाए अब जरा थोड़ा सा हम इवेंट को देखते हैं कि असल में खालिस्तानी मूवमेंट है क्या और वो चल क्या रहा है तो जैसा खालिस्तान वाले मूवमेंट से तो हम सब अवेयर हैं कि एक स्पेसिफिक डिफरेंट नेशन की डिमांड है उनकी इन जनरल अगर कनाडा की बात करी जाए तो कनाडा में अगर आप इस बेल्ट को टच करेंगे ना हरियाणा पंजाब की बेल्ट को तो आपको पता चलेगा कि वहां लगभग हर दूसरे परिवार से कोई एक शख्स जो है वो है कहां पे कनाडा में है नंबर्स की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट कितने सेवन लाख सात लाख जो एनआरआईस नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस यानी कि वो लोग जिनके पास जो सिटीजनशिप है वो इंडिया की है लेकिन रह रहे हैं वो कैनेडा में ये नंबर है सात लाख का मैं यहाँ साफ साफ लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए सेवन लाख तो ऐसे ही लोग हैं जो एनआरआइज हैं और वो कनाडा में रह रहे हैं और उसके साथ ही साथ लगभग इतना ही नंबर हम मान लेते हैं सात से आठ लाख और हैं जो इंडियंस थे बाय ओरिजिन लेकिन उन्होंने वहां जाके कनाडा की सिटीजनशिप ली और वहीं जाके बस गए यानी कि चौदह पंद्रह लाख लोग जो है वो इस वक्त कैनेडा में इंडियन ऑरिजन के रह रहे हैं तो एक बहुत बड़ी आबादी है कैनेडा खुद में बहुत बड़ी कंट्री है एज अ लैंड एरिया वाइज लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन जरा कम है तो एक डोमिनेटिंग सोसाइटी है इंडियंस की वहां पे अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे के सारे जो इंडियंस हैं वो सब के सब खालिस्तानी की वहाँ डिमांड कर रहे हैं वहाँ पे कुछ हैंडफुल नंबर ऑफ़ पीपल हैं जो कि इंडिया से कुछ उसमें भागे ऐसा कहा जाता है कि आइसिस उन लोगों को स्पॉन्सर कर रहा है इंडिया में डिस्टर्बेंस फैलाने के लिए तो ये कुछ हैंडफुल अमाउंट ऑफ पीपल हैं जो वहाँ पर खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं और खालिस्तान की इस डिमांड को लेकर जो उनकी अप्रोच है वो बहुत ही ज़्यादा वॉयेंट है जैसा हम यहाँ देख सकते हैं ये येलो कलर के आपको बैनर पोस्टर फ्लैग्स दिखेंगे आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो ये इनका कलर है और इसी कलर में मोस्टली प्रोटेस्टर्स होते हैं यूट्यूब पे बहुत वीडियोज़ भी सर्फ होते हैं जहाँ पे ऐसा दिखाया जाता है कि इंडियन औरजिन के लोग और जो खालिस्तानी सपोर्टर्स उनके बीच में क्लैश हुआ तो तू मैमें हो गई थोड़ी सी बहस हो गई देख सकते हैं जैसे फ्लैग मार्चिंग होती है बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं वहाँ पे ये जो इंडियन एम्बेसी के बाहर मंदिरों के बाहर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे को लिख देना और उसके साथ साथ क्लैश हो जाना ये बहुत कॉमन सी चीज़ है जो वहाँ पे कनाडा में आजकल हो रही है जिसका कंटिन्यूसली इंडियन सरकार विरोध कर रही थी कि कनाडा को इन चीज़ों को सप्रेस करना चाहिए इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और इस तरह की चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहिए अब इसका एक दूसरा एंगल भी आप समझने की कोशिश करिए कि ये जो चीजें होती है ना ये लोगों के अंदर हेट बढ़ाती हैं क्या बढ़ाती हैं हेट बढ़ाएंगे किसके अगेंस्ट अब ये जाहिर सी बात है ये बात करेंगे तो इंडिया की बुराई करेंगे इंडिया की बुराई करेंगे तो जो इंडियन ऑरिजिन के लोग इतने रह रहे हैं वहां पे सात लाख तो एनआरआइज ही रह रहे हैं उनकी जान को भी खतरा है जो लोग इस पर्टिकुलर मूवमेंट का सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि बहुत हैंडफुल नंबर ऑफ पीपल हैं जो इस पर्टिकुलर इवेंट को सपोर्ट करते हैं तो उन लोगों की जान को खतरा है तो इंडिया अपनी ऐसी कंसर्स रेगुलरली कैनेडा को दिखाती थी और कैनेडा इस पर अपना आंसर क्या देता था कि हम जो है फ्री स्पीच के

तो ये बात कब की है 18 सितंबर की यानी जस्ट बीते पिछले कुछ दिनों पहले जस्टिन टूडो जो थे वो अपनी पार्लियामेंट में जिसको कहते हैं क्या हाउस ऑफ कॉमन्स में गए और वहाँ जाके उन्होंने एक स्पीच दी जिन्होंने उन्होंने अपना कंसर्न दिखाया या एक तरह से हम कह सकते हैं एलिगेशन्स लगाए मेजर एलिगेशन ऐसा एलिगेशन जो इतना ईजिली कोई कंट्री नहीं लगाती है और आज भी बड़े बड़े जो पॉलिटिकल गुरूज़ हैं या जियो पोलिटिकल गुरुज हैं वो यही कहते हैं कि ये ब्लंडर है क्योंकि इस तरह की चीज़ें करना कोई भी कंट्री अटमोस्ट इंपॉर्टेंस के साथ उसको इग्नोर करेगी और कहेगी कि ये चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए हमें किसी को वो भी एक ऐसी कंट्री के अगेंस्ट जिसके साथ आपके बहुत अच्छे बायोलैट्रल टर्म्स हों खैर तो उन्होंने क्या बोला उन्होंने बोला कि जो कनेडियन गवर्नमेंट है उसके पास क्रेडिबल एलिगेशन है अब इस शब्द को जरा समझने की कोशिश करिए बड़ा मजाक बना इसका एक तरफ तो आप यूज़ कर रहे हैं क्रेडिब क्रेडिबल और अपने आप में दूसरी जगह आप शब्द यूज़ कर रहे हैं एलिगेशन क्रेडिबल एलिगेशन का मतलब क्या होता है क्रेडिबल तो मतलब वो भरोसेमंद एलिगेशन मतलब क्या है आरोप आरोप कभी भी प्रूव अनप्रूव नहीं हो सकता मतलब आरोप हमेशा प्रूव अनप्रूव होता है वो हमेशा उस क्वेश्चन में रहता है कि या तो वो प्रूव होगा या तो वो डिसअप्रूव हो जाएगा तो ये क्रेडिबल एलिगेशन क्या था इसी बात पे सबसे पहला सवाल उठ गया कि ये सर आप क्या बोल रहे हैं तो उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि क्रेडिबल एलिगेशन है किस बारे में है हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर के बारे में है जिसमें उनका मानना है कि उसके मर्डर में इन्वॉल्वमेंट किसका था इंडियन एजेंट्स और इंडियन गवर्नमेंट का ये जो शब्द है ना ये अपने आप में बहुत बड़ा है इंडियन गवर्नमेंट शब्द जो इस्तेमाल कर दिया कि ये गवर्नमेंट ही किसी के मर्डर में इन्वॉल्व थी दूसरी टेरिटरी में बहुत बड़ा है बहुत बड़ा एलिगेशन है इन्होंने ये बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया उसके बाद इन्होंने क्या किया ये यहाँ रुके नहीं उसके बाद इन्होंने एक इंडियन डिप्लोमेट को जैसा कि आपको पता है कि राजदूत होते हैं हर कंट्री में आ, अलग अलग कंट्रीज़ के जैसे इंडिया में भी मल्टीपल कंट्रीज़ के अगर आप न्यू दिल्ली विजिट करेंगे तो आपको एम्बेज़ दिखेंगी वहाँ पे वहाँ के राजदूत होते हैं जिनको हम डिप्लोमैट्स कहते हैं इंडियन फॉरन सर्विस जो लोग यू पी क्वालिफाई करके इंडियन फ़ॉरन सर्विस में जाते हैं उनको ये पर्टिकुलर पोस्ट ऑफर होती है तो उन्होंने एक इंडियन डिप्लोमैट जो कि काफ़ी सीनियर इंडियन डिप्लोमैट थे उसको एक्सपेल्ड कर दिया एक्सपेल्ड मतलब क्या किया वहाँ से निकाल दिया उनको जाने का आदेश दे दिया कि वो पाँच दिन के अंदर अपने देश लौट जाएँ क्या क्लेम करते हुए ये क्लेम किया कि वो इंडियन इंटेलिजेंस के हेड थे अगर इंडियन इंटेलिजेंस के हेड होते सर वो तो वो इंडिया में किसी चेयर को संभाल रहे होते खैर जो भी है तो उन्होंने एक्सपेल किया एक इंडियन डिप्लोमैट को और उनको बोला कि अब आप अपने देश लौट जाइए ठीक है सर ये भी हो गया उसके साथ उन्होंने क्या किया वहाँ के जो इनके जो वो थे डाउनलाइंस थे यानी कि इनके जो और अदर ऑफिसर्स थे इनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर थे या उनके जो सेक्रेटरीज थे उन्होंने ऐसा क्लेम किया कि जो प्राइम मिनिस्टर टूडो हैं यानी कि ये शख्स इन्होंने डिस्कस किया है एलिगेशन किसके साथ प्रेसिडेंट बाइडन यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के साथ और प्राइम मिनिस्टर सुनक यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ यूके के साथ यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ ये जो है इशू और एलिगेशन जो है उन्होंने डिस्कस किया है जिसके बाद उन लोगों के भी कुछ ओपिनियन आए जिनको हम देखेंगे तो ये वो एलिगेशन था जो कि जस्टिन टूडो ने लगाया और जिसके बाद एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल डिफरेंस शुरू हो गया दो कंट्रीज के बीच में ठीक है सर लेकिन इनके इस एक्शन के पहले का हम ये जान लेते हैं कि ये एक्शन बिल्डअप हुआ कैसे ये चीज़ें होती हुई दिख रही थी इससे पहले आपको जैसे पता है कि कुछ समय पहले इसी मंथ में जी ट्वेंटी समिट हुआ इंडिया में और उसमें मल्टीपल ट्वेंटी डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशंस के जो हेड्स हैं वो इंडिया आए थे और वहां पे एक बहुत सक्सेसफुल मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में ही इनके कुछ रवैये और तेवर से समझ में आ रहा था कि ये इंडिया के साथ खुश नहीं है और ऐसा कुछ हो सकता है लेकिन इतना मेजर स्टेप होगा ये किसी ने शायद गैस नहीं किया था जी इनकी जो जी ट्वेंटी समिट की विजिट है उसको जरा थोड़ा सा ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं जैसे कि ये उसकी फोटो भी एक लगी हुई है कैनेडियन जो मीडिया थी उसने उसको क्लेम किया मेडन विजिट मेडन जैसा हम क्रिकेट में जानते हैं मेडन ओवर जिसमें कोई रन नहीं पड़ा वैसे इनकी विजिट में भी कोई रन नहीं पड़ा क्यों नहीं पड़ा वो आगे समझने की कोशिश करते हैं जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था इंडिया और कैनेडा एक बायलैटरल है बायलैटरल एलाइज है कैसे तो नो बायलैटरल मीटिंग यानी कि जब आपको अगर मैं इन शॉर्ट समझाऊं तो जो जी ट्वेंटी है ना जी ट्वेंटी उसमें ट्वेंटी कंट्रीज़ के हेड्स आते हैं मिलते हैं कॉमन इश्यूज पे डिस्कस करते हैं उसके साथ ही साथ अलग अलग कंट्रीज़ अपनी अलग अलग रिक्वेस्ट डालती है कि हमें बायलैटरल मीटिंग्स भी करनी है जैसे इंडिया अमेरिका की एक बायलैटरल मीटिंग हुई जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एक दूसरे के साथ बैठ के इशूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कुछ पॉलिसीज़ फॉर्म करेंगे हो सकता है कुछ ट्रीटीज़ पे साइन करें हो सकता है कुछ अग्रीमेंट्स करें तो इंडिया और कैनेडा ने कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं करी बहुत सारी कंट्रीज के साथ हुआ इंडिया का लेकिन कनाडा वालों ने के साथ नहीं हुआ क्योंकि मे बी उनके साइड से रिजेक्शन सा या हमारे साइड से इंटरेस्ट नहीं पता नहीं शायद इंडिया ऐसा माना जाता है कि इंडिया ने ही ये रिक्वेस्ट नहीं करी थी ठीक है उसके बाद क्या हुआ जब ये पूरी मीटिंग हो गई तो उसके बाद जो है बायोलेटरल मीटिंग में तो ये आए नहीं उसके बाद जो है एक बायोफ्यूल अलायंस हुआ जिसके ऊपर एक मीटिंग हुई जिसका लॉन्च होना था उस पर्टिकुलर लॉन्च में भी जस्टिन टूडो नहीं आए वो मतलब वो इंडिया में ही थे अपने होटल में थे लेकिन वो इस पर्टिकुलर लॉन्च में भी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया उसके बाद जब ये जी ट्वेंटी मीटिंग हो जाती है जब ये दो टू डेज का होता है जी ट्वेंटी समिट जब ये समिट हो जाता है उसके बाद एक ग्रैंड डिनर होस्ट करता है होस्ट कंट्री तो ये उस ग्रैंड डिनर में भी नहीं आए ये भी बड़ी अजीब बात थी वो उसी कंट्री में आप उस कंट्री में स्पेशली किसी पर्पज के लिए आए और आप डिनर को भी नहीं अटेंड कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप अपनी किसी तरह से नाराजगी दिखाना चाह रहे हैं उसके बाद क्या है ऐसा क्लेम किया जाता है इस बारे में कोई कॉन्क्रीट एविडेंस तो नहीं है हर कंट्री के जो हेड आते हैं ना उनको प्रेसिडेंशियल स्वीट जो किसी भी होटल का सबसे बड़ा स्वीट होता है वो ऑफर किया जाता है तो प्रेसिडेंशियल स्वीट इनको दिया जा रहा था वो भी इन्होंने नहीं लिया इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं मैं स्वीट में नहीं रुकूंगा एक नॉर्मल से फाइव स्टार होटल के रूम में रुके ये भी एक बड़ी बात है आपको सुनने में लग रहा होगा फाइव स्टार होटल में तो रुके लेकिन ऐसा नहीं है कंट्री हेड्स को प्रेसिडेंशियल स्वीट दिया जाता है और वहाँ पे वो अपने जो भी उनके साथ के ऑफिसर्स हैं उनके साथ रुकते हैं बाकी ऑफिसर्स को बाकी रूम्स मिलते हैं कंट्री हेड्स की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो प्रेसिडेंशियल स्वीट की होती है और उन्होंने प्रेसिडेंशियल स्वीट जो इनके लिए ऑलरेडी बुक था उसको इन्होंने नहीं लिया उसके साथ और क्या हुआ जब ये वापस लौट रहे थे तो एयरक्राफ्ट इशू हो गया इनका यानी कि ये जिस फ्लाइट से आए थे अपनी जो पर्सनल प्लेन से आए थे उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो गई उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया तो इंडिया ने बोला कि सर आपकी कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हम आपको असिस्ट कर देते हैं इस मैटर में आपका प्लेन बनाना है बना देते हैं आप हमारे प्लेन से जाना चाहते हो चले जाओ इन्होंने वो भी लेने से मना कर दिया ये एक से डेढ़ दिन या दो दिन इंडिया में एक्स्ट्रा रुके अब आप इतने सारे इवेंट्स को देख के ये तो समझ गए होंगे कि ये मेड इन विजिट का टाइटल इनको क्यों दिया गया क्योंकि ये विजिट में कुछ भी प्रोडक्टिव तो नहीं हुआ केवल नाराजगी ज़ाहिर करी गई एक साइड से दूसरी साइड को ठीक है सर तो ये जी ट्वेंटी का ब्रीफिंग था शायद यही ये जो प्री एक्शंस थे यानी कि ये जो एक्शंस यहाँ पे हो रहे थे ये काफ़ी हद तक जस्टिफाई करते हैं इस पर्टिकुलर एक्शन को तो ये सारी चीज़ें हुई उसके बाद अब इंडिया ने क्या रिएक्ट किया वो भी जानना जरूरी है तो जैसे आपको पता है कि पीएम ऑफ द कनाडा ने एलिगेशंस लगाए इंडिया के ऊपर उसके ऊपर इंडिया ने किसी तरीके से रिटालिएट किया उसको जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले तो इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया सारे एलिगेशन्स को और मना किया सिरे से खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है आपके सारे एलिगेशन जो हैं वो बेबुनियाद हैं और इनका कोई भी बेस नहीं है इनको भी आप पहचान लीजिए ये जो मिस्टर बख्शी हैं ये स्पोक्स पर्सन है किसके हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री जिसको हम इंडिया में आम भाषा में कहते हैं उसके स्पोक्स पर्सन है इन्होंने आके सारे क्लरिफिकेशन दिए और ये जो मैं चीज़ें यहाँ बता रहा हूँ वो इन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक्सट्रैक्ट करी गई हैं उसके बाद उन्होंने क्या बोला इसके बाद इन्होंने ये भी बोला इन्होंने कनाडा को ब्लेम किया किस चीज़ के लिए सेफ़ हेवन है फॉर टेररिस्ट इन्होंने बोला कि आप हमें क्या बोल रहे हैं कनाडा खुद अपने आप में एक सेफ हेवन बनता जा रहा है किसके लिए टेररिस्ट के लिए या ऐसे लोग जो अपने कंट्री के अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे हैं प्लॉटिंग कर रहे हैं उनके लिए सेफ़ हेवन बनता जा रहा है क्योंकि आप उनके ऊपर तो कोई एक्शन लेते नहीं है वहाँ पे वो खड़े होकर खुलेआम प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोगों के साथ हिंसा कर रहे हैं अलग अलग तरीके के एक्शंस कर रहे हैं और उसके बावजूद जो है आप उनको सेफ़ हेवन दे रहे हैं आप ना ही उनको हमारी कंट्री में ला रहे हैं ना ही हमें प्रो, आ, आ, उनको प्रोसिक्यूट करने दे रहे हैं और ना ही आप हमें एक्शन लेने दे रहे हैं उनके अगेंस्ट ठीक है सर और क्या किया जैसा कि आपको पता था कि कैनेडा ने एक्सपेल किया था एक सीनियर इंडियन डिप्लोमैट को तो इंडिया ने ऑन दी अदर हैंड एक्सपेल कर दिया सीनियर कैनेडियन डिप्लोमैट को पाँच दिन का उनको समय दिया कि आप हमारी कंट्री को तुरंत छोड़ के चले जाइए ये भी अपने आप में बहुत मतलब अगर नौबत एक्सपेल करने की आ जाए ना डिप्लोमेट को इंटरनेशनल रिलेशंस में एक थंब रूल आप समझ लीजिए कि अगर कोई कंट्री दूसरी कंट्री के डिप्लोमेट को अपनी कंट्री से निकाल रही है तो इस बात को उसी समय समझ लेना चाहिए ये एक एक्शन है जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि ये दोनों कंट्रीज अब एक दूसरे के साथ कोई का समझौता नहीं करना चाहती है एक्सट्रीम स्टेप माना जाता है इंटरनेशनल रिलेशन में ठीक है सर उसके साथ साथ इन्होंने और क्या किया जो यहाँ के इंडिया में कैनेडियन कमिश्नर थे उनको बुला के काफी फटकार भी लगी ऐसा कहा जाता है उसके बाद इंडिया ने ट्रैवल एडवाइजरी निकाल दी ट्रैवल एडवाइजरी किसके लिए निकाल दी सभी इंडियंस के लिए जो कनाडा में ट्रैवल करने जा रहे हैं और उनको क्या बोला उनको बोला आप भाई साहब कॉशियस रहिएगा क्यों क्योंकि कैनेडा जो है वो अब हेट क्राइम का अड्डा बन चुका है अगेंस्ट इंडियंस यानी कि कनाडा में हेट क्राइम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं अगेंस्ट इंडियंस इसलिए जो भी इंडियन ट्रैवलर्स कनाडा में ट्रैवल करने जा रहे हैं वो थोड़ा देख संभल के जाएंगे और कॉशियस रहेंगे और जो वहां की हमारी एम्बेसी है उसके पास आप टच में रहेंगे ताकि वो आपका वहां पर ध्यान और ख्याल रख सके उसके साथ ही साथ कनाडा ने ये बोला था कि हमने इंडियन गवर्नमेंट को एविडेंस प्रोवाइड किए तो इंडिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि अभी तक कोई एविडेंस हमें शेयर नहीं किया गया और साथ ही साथ डिमांड करी कि आप हमें एविडेंस ला दीजिए ताकि हम देख भी तो पाए कि आपके एलिगेशन जो आप लगा रहे हैं किस बेस पे है और हम उसको चेक कर पाए उसके साथ ही साथ एक और बड़ा एक्सट्रीम स्टेप इसको याद रखिएगा जैसे ये एक बहुत एक्सट्रीम स्टेप है ये एक बहुत एक्सट्रीम स्टेप है क्या स्टेप लिया सर यहाँ पे यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया वीज़ा सस्पेंड कर दिया कनेडियंस के लिए यानी कि कोई भी कैनेडी कनेडियन जैसे आपको पता है आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो उस कंट्री का आपको वीज़ा लेना पड़ता है तो उन्होंने सभी कनेडियंस के लिए उनका वीज़ा का एप्लीकेशन ही कैंसिल कर दिया कोई वीज़ा इशू नहीं किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा है अभी तक किसी भी कनेडियन को इंडिया में ट्रैवल करने के लिए ये भी एक एक्सट्रीम स्टेप था ये इन्होंने सर ने जब डिक्लेयर किया उसके इमीडिएट इफेक्ट से अप्लाई हो गया कि जो भी कनेडियन वीज़ा है वो अब जो भी अब इंडियन वीज़ा है फॉर द कैनेडियंस वो नहीं मिलेगा टू दिटीजन्स ऑफ कैनेडा और उसके साथ ही साथ ये जो पॉइंट है इसको समझने की कोशिश करिए हर कंट्री में डिप्लोमैट्स रहते हैं दूसरी कंट्री के तो इन, इन्होंने ऐसा क्लेम किया कि इस वक्त इंडिया में मान लेते हैं कनाडा है उसके 50 डिप्लोमैट्स हैं तो कैनेडा में इंडिया के केवल दस ही हैं तो उन्होंने बोला कि नंबर जो है वो वहाँ के डिप्लोमेट्स का इंडिया में वो ज़्यादा है इसीलिए वहाँ से रिक्वेस्ट करी कि आप जल्द से जल्द अपने कंट्री के जो डिप्लोमेट्स हैं इंडिया में उनके नंबर्स को कम करिए यानी कि ये भी एक बड़ा क्लियर कट मैसेज था और एक्सट्रीम स्टेप था इंडिया की तरफ से कि आप अपने डिप्लोमेट्स को जल्द से जल्द हमारी कंट्री से खाली करवाइए वो नंबर को कम करिए नंबर बैलेंस होना चाहिए तो ये इस तरह से इंडिया ने मेनली उनके एलिगेशन पर आपका रिटालिएट किया अब एक जरा टाइमलाइन को देख लेते हैं जिससे हम इस इवेंट को चार पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं हमें समझ में आ जाएगा स्टेज वन क्या था स्टेज वन थाज्जर जो कि हुआ जून में उसके बाद स्टेज टू में क्या हुआ स्टेज टू में हुआ जब हमने जी ट्वेंटी में देखा किसको प्राइम मिनिस्टर टूडो को जिनके एक्शन से जिनके बातचीत से और जिनके बिहेवियरल एक्शन से ऐसा समझ में आ रहा था कि वो इस वक्त इंडिया के साथ खुश नहीं है और दोनों कंट्रीज के बीच में टेंशन और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं डेवलप होती जा रही हैं और रिलेशन सोर हो रहे हैं उसके बाद जी ट्वेंटी से जाने के कुछ ही समय बाद जो है ट्रूडो ने एलिगेशन लगा दिए इंडिया के अगेंस्ट जो अपने आप में बहुत एक्सट्रीम स्टेप है ये उठाना ही अपने आप में बहुत डेयरिंग की चीज़ है बहुत एक्सट्रीम स्टेप उठाया इसको लगभग सभी मानते हैं और उसके बाद क्या हुआ इंडिया ने अपना स्ट्रॉग रिएक्शन दिया कनाडा के अगेंस्ट इंडिया की एक रेपुटेशन ऐसी बन गई है अब कि अब हर कंट्री जानती है कि अगर वो किसी तरीके से भी इंडिया को अप्रोच करेंगे तो इंडिया का जो रिएक्शन आएगा वो बहुत हार्ड आ सकता है और ये मैसेज बड़ा ही क्लियर एंड कट तरीके से इंडिया ने कन्वे किया ठीक है सर तो अब बात आती है ओपिनियन और वे अहेड की देखिए अगर हम बात करें ओपिनियन की तो ये डेफिनेटली जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था ये एक पॉलिटिकल क्राइसिस है ये एक आपने भी इसको पर्टिकुलर लेक्चर को पढ़ने के बाद और सुनने के बाद समझा होगा कि अगर दोनों पॉलिटिकल गवर्मेंट जो है वहाँ पे वो चाहते तो इसको बहुत इजीली अवॉइड कर सकते थे स्पेशली फ्रॉम द कैनेडियन साइड यानी कि कैनेडियन गवर्नमेंट चाहती तो इसको बहुत इजीली अवॉइड कर सकती थी लेकिन उन्होंने नहीं किया यानी और ये अपने आप में एक बहुत ख़राब स्टेप है क्योंकि इंडिया और कनाडा एज सच कोई दुश्मन नहीं रहे हैं हिस्ट्री में और ना ही उनका इतना ज़्यादा ना ही वो कोई बॉर्डर शेयर करते हैं ना ही कोई आ, और कोई दुश्मनी का एंगल है कैनेडा जो है उसको इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए था अभी भी जो रिलेशन्स हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब नहीं हुए हैं कि उनको दोबारा रीबिल्ड ना किया जा सके फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो कनेडियन साइड है वहाँ से ज़्यादा एफ़र्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी दोबारा रिलेशन्स को रीबिल्ड करने के लिए इसके साथ ही साथ अगर वे अहेड की बात करें कि आगे क्या हो सकता है तो आगे ये बात तो बहुत हद तक तय है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है जो इंटरनेशनल मल्टीपल डेमोक्रेसीज़ हैं वो ये चाहेंगे कि दोनों कंट्री साथ में आ जाए क्योंकि इंडिया की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है वो है चाइना के साथ जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो चाइना को सप्रेस करना चाहती हैं और इंडिया इकलौती ऐसी सुपर पावर है एशिया में जो चाइना के अगेंस्ट खड़ी हो सकती है इसलिए आपने देखा होगा अमेरिका जापान बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं यूके वो सब की सब चाहती हैं कि वो स्ट्रेटेजिक अलाइज बनी रहे इंडिया के साथ और इंडिया को और एम्पावर किया जाए क्योंकि इंडिया जो है वो इकलौती ऐसी कंट्री है जो चाइना को सप्रेस कर सकती है और साथ ही साथ वेस्ट को जो है एक अपर हैंड दे सकती है इन कंपैरिजन टू चाइना तो इसीलिए ऐसा हम कह सकते हैं कि जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो भी कोशिश करेंगी कि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में समझौता हो जाए और ऐसा चीज़ रिफ्लेक्ट हुआ है क्योंकि कि किसी भी कंट्री ने अमेरिका ने जापान ने ऑस्ट्रेलिया ने जो कैनेडा की बहुत इंपॉर्टेंट एलाइज है उन्होंने भी कोई ऑफेंसिव स्टेटमेंट नहीं दिया है इंडिया के अगेंस्ट तो ये था हमारा वीडियो इस बारे में अगर आपको और जानना है तो हम और वीडियो लेक्चर इसके फॉलोअप में लेके आएंगे जैसे भी डेवलपमेंट्स इसमें होते हैं आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो इसमें आपकी क्या ओपिनियन आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं और इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि कॉम्पिटिशन कम्युनिटी का बिलासपुर सेंटर जो कि मंगला चौक पर वो अपनी सिविल जज की बैचेस को रन करना शुरू कर चुका है तो अगर आप में से किसी भी बच्चे को इंटरेस्ट है सिविल जज ए या सेमेस्टर कोर्सेज में एडमिशन लेने का तो वो हमारी वेबसाइट पर या हमारे सेंटर को विजिट करके एडमिशन्स की जानकारी ले सकते हैं और अपनी सिविल जज की को और मजबूत कर सकते हैं, और सपने को सच कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के साथ आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर के पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको।